ओके स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम राजवीर और ये भैया एपेड्स का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कुछ मजेदार इंटरनेट ट्रिक्स के बारे में, कुछ मजेदार एप्लीकेशन के बारे में। यकीन मानिए काफी मजा आने वाला है वीडियो, अगर आप जो है लास्ट तक देख लेते हैं लाइक ठोक के जाएंगे। आई स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंट्रो के। तो खैर वीडियो लंबा हो ही जाता है तो इसलिए मैंने जो है इंट्रो को छोटा रखा हूं। तो पहले नंबर पर आता है एक ट्रिक्स। ट्रिक्स ये दोस्तों कि अभी तक जो है इंटरनेट पर आप जो है बहुत सारे वीपीएन एप्लीकेशन को मिल जाते हैं। प्ले स्टोर पर आप जो है वीपीएन सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे जो है वीपीएन एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। पर क्या आप जो बिना वीपीएन को जो है ऐप को एक्सेस कर पाएंगे? हाँ, कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे आप जो है यूज करके बिना एप्लीकेशन का वीपीएन एप्लीकेशन का जो है वीपीएन यूज कर पाएंगे। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में वीपीएन में जाकर जो है आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है अपने नाम पर एक मैनुअली वीपीएन यहाँ पे क्रिएट कर लिया हूँ वाईटी राजवीर से। वो मैंने कैसे किया है मैं आपको वहां पर दिखाना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या होगा, आप एड वीपीएन कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने किया है। तो सिंपली जो है क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर नेम में आप जो है एबीसीडी कुछ भी आप डाल सकते हैं। टाइप में आप जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है एलटीट्यूड टीपी IPsec PSK, इसको आप सेलेक्ट करना है। उसके बाद सर्वर एड्रेस, यही एक मेन पॉइंट होता है। सर्वर एड्रेस आप कहाँ पाएंगे, तो आप चले गए किसी ब्राउजर में जाकर vpngate.net पर आप जाइएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे सर्वर एड्रेस देखने को मिल जाते हैं और ध्यान दीजिए कि काफ़ी अच्छे जो है स्पीड जो दे उसी को आप सेलेक्ट करना है। कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके जो है यहाँ पर जो है पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं IPsec प्रीसेट की में आप जो है VPN लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद फॉरवर्डिंग रूट्स को जो है यहाँ पर 0.0.0.0/0 को यहाँ पर जो है फिल कर देते हैं। फिर उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड में आप जो है लिख दीजिएगा VPN स्मॉल लेटर में, जैसे लिखा है ठीक वैसे ही। फिर यहाँ पर जो है कनेक्ट करते हैं। अब जो है हम कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा हम समय देंगे और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है VPN हमारा कनेक्टेड हो चुका है। ऊपर भी देख लीजिए और यहाँ पे जो है VPN हमारा कनेक्ट है और फास्ट सिक्योर है। तो है ना मजेदार, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला है दोस्तों इमोजी मिक्स। अब देखा जाए एक एप्लीकेशन है, नाम से ऐसा लग रहा है कि इमोजी प्लस इमोजी बराबर कुछ और इमोजी। हाँ, कुछ ऐसा ही होने वाला है, नहीं समझ में रहा है देख लीजिए। ये रहा उसका यूजर इंटरफेस, थोड़ा सा लोड होगा। इमोजी मिक्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे इमोजीज देखने को मिल जाते हैं। सिंपली आपको करना कुछ जैसे मैंने कहा कि इमोजी प्लस इमोजी प्लस कोई और इमोजी यहाँ पर आपको बनके तैयार देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर जो है किया कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। काफी कूल इमोजी है ना, शेयर भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला है दोस्तों एक एप्लीकेशन, नाम है फेक कॉल। वैसे देखा जाए तो इसका अल्टरनेटिव बहुत सारे गूगल प्ले स्टोर पर है, लेकिन इसमें कुछ और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब देखा जाए दोस्तों तो इस एप्लीकेशन का काम काफी मजेदार है। अगर आप जो है ऐसे माहौल में बैठे हुए हैं जहां आपको कोई मतलब जो है भाव नहीं दे रहा है और आप सोचते हैं कि यार मैं यहां से कट जाऊं, तो उसके लिए आप ऐसे तो नहीं कर सकते हैं हम जा रहे हैं तो लोग समझ जाएं कि भाई उसको कोई पूछ नहीं रहा तो वो निकल रहा है। तो एक जुगाड़ है, जुगाड़ ये दोस्तों कि इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप जो है फेक कॉल क्रिएट कर सकते हैं और एक फिक्स टाइमिंग पर आपको जो है एक फ़ोन आता है फेक कॉल ही, और वहां से आप जो ये कहते हैं कि भाई डार्लिंग का फ़ोन आ गया या फिर डैड का फ़ोन आ गया, निकल लेते हैं वहां से। कुछ क्रिएशन जो आप एक बड़े मजेदार तरीके से कर सकते हैं। तो है ना दमदार, चलते हैं नेक्स्ट। तो भैया अगला है एक एप्लीकेशन, नाम है फ्लो लॉन्चर। अब लॉन्चर है, अब इसके अल्टरनेटिव तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन इसमें खासियत क्या है? अब देखा जाए दोस्तों सबसे बड़ी खासियत ये है कि काफी स्मूथ चलता है, छोटी साइज मुझे ऐसा लगता है कि 6-7 MB का है, और कुछ एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है पोमोडोरो भी सेट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इवेंट भी आप जो है ऐड कर सकते हैं, टास्क भी आप जो है ऐड कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम आउट यानी कि आप जो है कितना फोन यूज करते हैं, कितने घंटे यूज करते हैं उसको भी देख पाते हैं, और काफी स्मूथ चलता है, छोटी साइज का है, इसलिए मैंने जो इसको सेलेक्ट किया, काफी मजेदार है। और लास्ट है दोस्तों एक एप्लीकेशन, नाम है टैपेट। अगर देखा जाए दोस्तों आपके फोन में थीम नाम का या फिर वॉलपेपर नाम का कुछ डिफॉल्ट वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि एक आप वॉलपेपर बनाइए अपने हिसाब से, पूर्ण रूप से कस्टमाइजेशन करके, अपने हिसाब से कलर चेंज करके, डिजाइन चेंज करके, तो आप जो है कहां जाएंगे? घबराइए मत, मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूं, नाम है टैपेट। इसमें जो है आप टोटली कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं वॉलपेपर को। मैं ऐसे देख सकते हैं कि मैं कलर चेंज कर सकता हूं, डिजाइन चेंज कर सकता हूं, और भी बहुत कुछ फीचर्स दिए गए हैं, और HD क्वालिटी, फुल HD क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तो ये रहे वो इंटरनेट ट्रिक्स और जो है कुछ एप्लीकेशन जो आपके साथ मैंने शेयर किया और काफी तगड़े वाले हैं। और अगला वाला जो वीडियो होने वाला है उसमें और भी तगड़े वाले इंटरनेट ट्रिक्स और एप्लीकेशन बताने वाला हूं। तो चैनल सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ऐसे और जानकारी के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, साइनिंग आउट।